हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टैबलू के ऊपर। हम टैबलू की पेन ड्राइव पे वर्क काम कर रहे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग सीरीज देख रहे हैं। लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरीके से आप पीडीएफ की फाइल को, पीडीएफ के कई सारे पेजेस की फाइल को, डेटा को आप टैबलू में इंपोर्ट कर सकते हैं। आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि जैसे आपके पास एक एक्सेल फाइल है और एक्सेल फाइल के कई सारे शीट्स पे डेटा है, उसको पीडीएफ में, इसमें टैबलू में एक के नीचे एक के नीचे कैसे इंपोर्ट करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे नेम और मान लीजिए कि मंथली डेटा है, सिंपल सा डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों का हेडिंग सेम होना चाहिए, सारा डेटा का हेडिंग सेम होना चाहिए। मैंने कॉपी किया, मैं बेसिकली 5 शीट कर रहा हूं। और यहां पे हम वेब पेज कर देते हैं। ये बेसिकली पार्ट के हिसाब से है कि पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है, पांचवा पार्ट है। अब इस फाइल को मैं एक बार सेव कर देता हूं एक लोकेशन में, मैं मल्टी सीट के नाम से सेव करता हूं और इस फाइल को क्लोज कर देता हूं। वापस हम आते हैं टैबलू पे। टैबलू पे जो पहले से डेटा है, मैं एक बार उसको क्लोज कर देता हूं। फाइल क्लोज सेव नहीं किया मैंने। अब फिर यहां वापस हम सोर्स पे आते हैं, फ्रॉम एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, और एम सीट पे आते हैं। अब यहां पे शीर्ष आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम है कि अगर मैं एक सीट को डेटा यहां रखता हूं तो यहां पे आपका एक सीट का डेटा आया। अब मुझे इसी के नीचे अपने सीट टू का डेटा रखना है, ये जो लास्ट में आया इसी के नीचे मुझे सीट टू का डेटा रखना है। बट सीट टू को मैं इसके नीचे करता हूं तो फिर वो रिलेशनशिप क्रिएट करने लगता है। बट मुझे रिलेशनशिप, मतलब कि मुझे रिलेशनशिप कब होता है, जैसे कि डेटा का कुछ पार्ट यहां है और कुछ पार्ट आपके दूसरे में, कुछ पार्ट यहाँ है और कुछ पार्ट उसमें है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट आईडीज में है, प्रोडक्ट नेम दूसरे सीट में, तो प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट नेम को लुकअप करना चाहते हैं। जैसे भी लुकअप होता है, उस तरह से आप उसको लुकअप करना चाहते हैं, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं अपना रिलेशनशिप को। बट यहां ऐसा नहीं है, मुझे यहां पे जो है डेटा एक के नीचे एक करना है। तो जैसे हमने पीडीएफ में आपको समझाया था, मैं इसको रिमूव करता हूं एक बार, रिमूव, और हमने इसको भी रिमूव कर दिया। तो मैं इसको ऊपर को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ नीचे वाले डेटा को सिलेक्ट करके उसको यहां से पुट करके यहां डाल दिया। अब देखिए सारे शीट का यहां पर आपके आपके सामने दिख रहा है और यहाँ पे शीट्स के नेम भी है, अगर रखने हैं तो ठीक है, अदरवाइज शीट के नेम हटाने हैं आपको तो यहां से आप इसको हाइड कर सकते हैं, ये आपका शीट का नेम नहीं दिखेगा। उसके बाद यहां हम जो है इस पे अगर हम राइट क्लिक में करते हैं तो एडिट यूनियंस आता है, तो सीक्वेंस होता है कि भाई सीट वन पहले, सीट टू पे, सीट थ्री, सीट फोर, सीट फाइव, तो इस तरह से सीक्वेंस अगर ऊपर नीचे है तो इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं।
ये थी हमारी कि आप मल्टीपल एक्सेल के जो फाइल्स हैं उसको बिना रिलेशनशिप किए हुए एक के नीचे एक से कुलेट कैसे करेंगे, जिससे आप अपने डैशबोर्ड में पूरी की पूरी रिपोर्ट लगा सके। जो ये रिपोर्ट है पूरी की पूरी जितने भी शीट्स है सारे शीट्स का मुझे डेटा यहाँ दिख रहा है, पूरे शीट्स का। तो अभी तक जो मैंने डेटा कनेक्टिविटी में आपको सिखाया है वो सिखाया है फाइल से, फाइल से जैसे कि मेरे पास जो भी अवेलेबल फाइल थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कैसे लेंगे, टेक्स्ट से कैसे लेंगे, एक्सेस से कैसे लेंगे, पीडीएफ से कैसे लेंगे। उसके अलावा इसमें बहुत सारे फाइल टाइप हैं, अब आप उस फाइल टाइप को भी यूज कर सकते हो। अब अगला टॉपिक आता है कनेक्ट विद द सर्वर। देखिए जो टैबलू है मोर देन 100 डेटाबेसिस को कनेक्ट करता है, जी हाँ 100 से ऊपर डेटाबेस को कनेक्ट करता है। एक गूगल ड्राइव को भी कनेक्ट करता है, गूगल सीट को भी करता है। तो अगली जो हमारी क्लासेस है इसी पे है कि किस तरह से हम सर्वर्स को यूज कर सके। तो इसमें जो सर्वर, इसमें बहुत सारे सर्वर्स हैं, लेकिन इसमें जो जो सर्वर जनरली यूज होता है वो हम आपको बताएंगे, जैसे कि ड्रॉप बॉक्स हो गया, जैसे कि यहाँ पे आपका गूगल एनालिटिक्स भी ले सकते हैं, गूगल ड्राइव भी ले सकते हैं, गूगल सीट भी ले सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे आपका MySQL भी है, आपका यहाँ पे आपका SQL सर्वर भी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि SQL सर्वर से डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि तो मेरे सिस्टम में SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो अवेलेबल है, तो मैं उसको एक बार ओपन करता हूँ। थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेगा तो मैं तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो ये हमारा सर्वर ओपन हो गया है। इस सर्वर का हमारा जो नेम है उसको एक बार कॉपी कर लीजिएगा, इस सर्वर के अंदर चलते हैं, देखते हैं डेटा अवेलेबल है या नहीं। इसके अंदर डेटाबेस है, इसमें नहीं है डेटाबेस, तो मुझे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस नहीं है, सिस्टम डेटाबेस, डेटाबेस स्नैपशॉट नहीं है इसमें, सिस्टम का बना हुआ डेटाबेस है जैसे मास्टर हो गया, मास्टर के अंदर टेबल्स हैं, सिस्टम टेबल है, एक्सटर्नल टेबल है, ग्राफ टेबल है। तो सिस्टम टेबल अवेलेबल है, तो मैं यहाँ अपना खुद का एक डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ, न्यू पे जाके न्यू डेटाबेस, एड्रेस नाम मैं दे देता हूँ IPT, ओके। अब इसके अंदर मैं एक टेबल बनाता हूँ, एक्सेल की कोई भी फाइल को खोलता हूं, इसी को लेते हैं कैंडिडेट नेम, और इसको मैं यहां से सेव कर देता हूं।
डेटा के लिए। राइट क्लिक करके एडिट डेटा और इसको कॉपी करते हैं और पूरे को सिलेक्ट करके हम पेस्ट करते हैं। प्लीज डिएक्टिव क्यों हो गया इसका? पूरा सिलेक्ट करना चाहिए था मुझे, मैंने सिंगल सिलेक्ट कर दिया, पूरा डेटा पेस्ट हो गया। इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे इस डेटा को टैबलू में लाना है, थोड़ा टाइम इधर लग गया क्योंकि मेरे पास डेटाबेस था नहीं इसलिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्वर नेम कि आपका सर्वर नेम क्या है। तो मैं यहाँ से इसको डिसकनेक्ट करता हूँ, वापस जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो यहाँ सर्वर नेम आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं यहाँ से और फिर यहाँ हम क्या कर रहे हैं मोर पे आते हैं। यहाँ पे आपको एसक्यूएल सर्वर दिखेगा, एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे सर्वर नेम हमने बताया, फिर डेटाबेस में हमने यहाँ पे आईपीटी रख दिया। ऑप्शनल है मतलब बाद में सिलेक्ट करने के तो देगा। यहाँ पे देखिए विंडो ऑथराइजेशन है, लोकल होस्ट है, क्योंकि सर्वर दो तरह के होता है, एक ऑनलाइन होता है एक ही टेबल था इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, अगर कई सारे होते हैं सारे टेबल्स आता। और फिर इस डेटा को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अपडेट नाउ सारे डेटा आ गया। तो हमने एसक्यूएल सर्वर से डेटा लाना आपको सिखाया। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि और जो गूगल ड्राइव है या फिर स्प्रेडशीट है इन सब से डेटा कैसे हम लेके आएंगे, ये हमारी अगली वीडियोज में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे पेन ड्राइव परचेज करना है तो मुझे व्हाट्सएप या कॉल कीजिएगा। थैंक यू।